Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. My name is Jatin and this is lecture 2 of our music production course. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगी। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी म्यूजिक प्रोडक्शन क्या है, एग्जैक्टली म्यूजिक प्रोडक्शन क्या है, म्यूजिक प्रोडक्शन जो वर्ड है वो एग्जैक्टली क्या है। एंड आज जब हम म्यूजिक प्रोडक्शन समझ चुके हैं कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अब म्यूजिक प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ आई गेस आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे हो कि अब मैं आपको एक लिस्ट बता दूंगा कि ये परचेज कर सकते हो, ये परचेज कर सकते हो, लेकिन ना, जैसा कि म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स में एक एक चीज आपको बताई जाती है, तो इन द सेम वे यहाँ पे इस लेक्चर में भी आपको कुछ चीजें बतानी होंगी जो कि काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। नाउ आई गेस आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब मैं आपको एक लिस्ट बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो, ये नहीं। यहाँ पे काफी सारी और भी चीजें हैं, और भी सारे फैक्टर्स हैं जो आज के टाइम पे हमें बहुत ध्यान में रखने चाहिए। लेट सपोज आपको एक माइक्रोफोन लेना है, आपने प्लान किया कि मैं एक माइक्रोफोन लेता हूँ। सो फर्स्ट जो आपका एक्शन होगा ना, आपका यही होगा कि आप यूट्यूब पे रिव्यूज चेक करोगे। अब दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और नहीं करना है। फर्स्ट यहाँ पे आता है फर्स्ट टाइम जो रिव्यूज है, फर्स्ट टाइम जो बायर्स है, फर्स्ट टाइम बायर्स के जो रिव्यू है वो आपको कंसिडर नहीं करने हैं। क्या चीज, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं किसी भी और चैनल या फिर किसी और वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी ऑफेंड करने का मेरा मोटिव नहीं है। यहाँ पे मैं जस्ट अपनी ही बात कर रहा हूँ, अपनी ही वीडियो की बात कर रहा हूँ। मैंने लिया था रोड NT1A माइक्रोफोन, आई थिंक 3 साल हो गए होंगे मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने फर्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को परचेज करा एंड मैंने वीडियो बनाई। अब अगर आप उस वीडियो को देख के अपना डिसीजन बनाते हो कि आपको वो पर्टिकुलर माइक्रोफोन चाहिए, देन वो हो सकता है आपके लिए एक राइट डिसीजन ना हो। सिंपल सी चीज, मैंने जब माइक्रोफोन मुझे वो लेना था, सो मैंने रिसर्च करी, मेरे लिए वो परफेक्ट था, बट मैंने उसको यूज तो कभी नहीं करा था ना। मैंने वो माइक्रोफोन यूज करा, परचेज करा, उसके बाद उसकी वीडियो बनाई। यूज तो मैंने बाद में किया ना, वीडियो पहले बन गई, सो उसमें आपको एक सही रिव्यू नहीं मिल पाएगा। स्पेसिफिकेशंस पता चल जाएंगे, अनबॉक्सिंग पता चल जाएगी, लेकिन जो उसका ऑडियो टेस्ट है, किस टाइप से वो परफॉर्म करता है लॉन्ग रन में, वो आपको यूज करने के बाद ही पता चलेगा। एंड जो बंदा फर्स्ट टाइम उसको यूज कर रहा है और उसके बाद वीडियो बना रहा है, सो उस वीडियो से, उस रिव्यू वीडियो से आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। सो मेक श्योर जब भी आप किसी रिव्यू वीडियो को देखें, सो उसमें आपको एक चीज देखनी है, जो बंदा रिव्यू कर रहा है, जो भी चैनल है, वो किसी भी चैनल पे हो, क्या वो कोई दूसरा माइक्रोफोन यूज कर चुका है, क्या उसने आज से पहले कभी माइक्रोफोन यूज करे थे। बिकॉज आपको डिफरेंस तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप दो से ज्यादा चीजें यूज ना करो एट द सेम टाइम। अगर मेरे पास 3 माइक्रोफोन है, तभी मैं जज कर पाऊंगा कि ये माइक्रोफोन ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर मैं जस्ट एक ही माइक्रोफोन लेके बैठूं एंड मैं बोलूं वो अच्छा है, सो वो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा बिकॉज मैंने रिसर्च करी थी। एंड ऐसा तो नहीं है ना किसी बेकार चीज पे आप में से कोई भी पैसा डाल देगा या फिर हम में से कोई भी पैसा डाल देगा, नहीं ना, हमने वो परचेज करा है बिकॉज हमने रिसर्च करी थी, हमें अच्छा लगा, तो वीडियो में भी हम अच्छा ही बोलेंगे। मैं फर्स्ट टाइम बायर रिव्यू की बात कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है रिव्यूज का। यहाँ पे भी मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अपने चैनल पे काफी सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू करा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, माइक्रोफोन, स्टूडियो मॉनिटर, मिडी कीबोर्ड, ऑडियो इंटरफेस, काफी सारी चीजें। लेकिन आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज अगर मैंने 3 टाइप के माइक्रोफोन यूज करे हैं, 3 टाइप के माइक्रोफोन्स को रिव्यू करा है, तो आप कहोगे यार ये भी अच्छा बोल रहा है, ये भी अच्छा बोल रहा है, ये तीनों अच्छे हैं, लेकिन मुझे तो लेना एक ही है ना, तो मैं कैसे डिसाइड करूं। देन अगेन आप वहां पे हो गए कंफ्यूज। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं अपने चैनल पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को रिव्यू करता हूँ जो मुझे लगता है कि रिव्यू करने चाहिए। एक पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लास्ट ईयर की बात है, मेरे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स थे, आई थिंक 17, 16, 15 ऐसी कुछ मेरे पास बॉक्सेस थे, ऑडियो इंटरफेस थे उसमें, मैंने लाइव वीडियो में दिखाया था, बट मैंने आज तक
उसका रिव्यू नहीं डाला बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था कि वो प्रोडक्ट्स आपके लिए सही होंगे। सो मैंने अपने चैनल पे उनका रिव्यू वीडियो डाला ही नहीं, वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने कर दिए रिटर्न। नाउ अगेन यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली बात है कि अगर मैंने कोई माइक्रोफोन या फिर स्टूडियो मॉनिटर कोई भी इक्विपमेंट को रिव्यू करा है सो उसकी भी क्वांटिटी ज्यादा है तो आप कैसे डिसाइड करोगे? या फिर अगर आप किसी और का चैनल देख रहे हो, किसी और के चैनल पे भी 3-4 स्टूडियो मॉनिटर्स रिव्यू हो चुके हैं, 3-4 माइक्रोफोन्स रिव्यू हो चुके हैं, तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है वो आपके लिए सही है या नहीं? सिंपल सी चीज, सिंपल सा उसका आंसर। आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस बंदे ने जिस भी चैनल पे वो प्रोडक्ट रिव्यू हुआ है, वो गैजेट रिव्यू हुआ है, वो इक्विपमेंट रिव्यू हुआ है, क्या वो उसको अपने पर्सनल यूज में ले रहा है। अगर आपने देखा ये चीज रिव्यू करी है और ये चीज मुझे इसके सेटअप में भी दिख रही है, ये पर्सनल यूज में ये जो भी बंदा है, जो जिसकी वीडियो आपने देखी है, वो अगर उसको यूज कर रहा है, देन आपको समझ जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है ये बिल्कुल ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो, बिकॉज वो पर्सन खुद यूज कर रहा है, पर्सनली उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऑडियो इंटरफेस को रिव्यू करा विच वॉज अराउंड 9,000 or 10,000, बट मेरे पास और भी ऑडियो इंटरफेस हैं जो कि इससे थोड़े से हायर लेवल के हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं ZenGo की अगर बात करता हूँ, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे यार ये वाला इसने रिव्यू करा था पहले और ये तो यूज़ कर नहीं रहा है, देन डेफिनेटली यार जो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी मैं उसी को यूज़ करूँगा ना, लेकिन बजट सेक्शन में वो चीज़ बेस्ट रहेगी। जो मैंने रिव्यू करी है वो बजट सेक्शन में बेस्ट रहेगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो मैंने आपको ज्ञान दिया है ना, ये थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपका लग गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बिकॉज आप देख रहे हो प्रमोशंस चलती रहती हैं, कोलैबोरेशंस चलती रहती हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज आपको मिलते ही रहते हैं, आप मेरे चैनल पे ही देख लो। सो आपको मैंने बता दिया है आप डिसाइड कैसे करोगे, ये दो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। मुझे ज्यादा कंपनी से मतलब नहीं है, मुझे ज्यादा मतलब है आपसे। सो ये जो मैंने आपको दो बातें अच्छे से एक्सप्लेन करी है ना, आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। सो वीडियो को यार लाइक कर देना, बिकॉज ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। नाउ अब आते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे। आपको स्टार्ट करना है म्यूजिक प्रोडक्शन, ये कोर्स स्टार्ट कराया आपने, देखना। सो कैसे आप उसको आगे लेके जाओगे, कैसे आप सीखोगे, क्या क्या चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सो फर्स्ट चीज, जो सबसे पहली चीज है, वो है लैपटॉप या फिर एक पीसी। आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हो, आप पीसी भी यूज कर सकते हो, पर्सनली मैं दोनों यूज कर रहा हूँ, बट मेरा जो फेवरेट है वो पीसी है। अब आप पूछोगे कि कौन से बजट का होना चाहिए या फिर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन उसकी होनी चाहिए। सो AMD इंटेल आप दोनों यूज कर सकते हो, मैं AMD भी यूज कर रहा हूँ एंड मैं इंटेल भी यूज कर रहा हूँ, पर्सनली मैं इंटेल का फैन अभी भी हूँ। एंड अब आप कहोगे कि कौन सा प्रोसेसर बढ़िया रहेगा म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। सो मिनिमम जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है Ryzen 5 या फिर i5। जो भी लेटेस्ट जनरेशन होगी आपको उसके साथ ही जाना है। हो सकता है आप इस वीडियो को कुछ टाइम बाद देख रहे हो एंड वहां पे जो जनरेशन है Ryzen या फिर Intel की वो आगे जा चुकी होंगी। सो आपको सिर्फ ये चीज देखनी है, जो भी सीरीज है, जो भी लेटेस्ट सीरीज है उस ईयर की जब आप ये वीडियो देख रहे हो, सो आपको उसके साथ जाना है। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया है Ryzen 5 या फिर i5। उसके अलावा रैम में आपको 8GB मिनिमम रिकमेंड करूंगा। स्टोरेज डिपेंड करता है आप पे, बट फिर भी आपको 280 या फिर 500GB की SSD जरूर यूज करनी चाहिए। वैसे जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो मैं रिकमेंड करता हूं एंड जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। म्यूजिक आप किस मशीन पे बनाओगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन म्यूजिक तो अब आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ और भी इक्विपमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी एक स्टेप आगे लेके जाने में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की, जो म्यूजिक को क्रिएट करेगा। अब आप म्यूजिक तो क्रिएट कर लोगे अपने पीसी या फिर लैपटॉप में, लेकिन आपको सुनना भी तो है। लैपटॉप के स्पीकर या फिर स्पीकर आपके अगर मॉनिटर में है, उसका अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आपको अच्छे से सुनना होगा, साउंड्स को अच्छे से सुनना होगा। उस केस में आपको चाहिए होगा एक हेडफोन, एक स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि हेडफोन जो है वो कौन से आप कंसिडर कर सकते हो, तो सबके डिफरेंट बजट होंगे, सो इसका एक कोई आंसर नहीं हो सकता है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देता हूं, ऑडियो टेक्निका M20X से लेके आप M40X के बीच में कोई भी यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं 50X यूज कर रहा हूं, बट वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। 20X, 30X, 40X आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। इसके अलावा Sennheiser HD 280 Pro भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक्स आपको मिल जाएंगे सारे डिस्क्रिप्शन में। नाउ थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट आता है, थर्ड जो चीज आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी एक ऑडियो इंटरफेस की। हाँ जी, ऑडियो इंटरफेस।
आपको लग रहा है हेडफोन तो आप डायरेक्टली प्लग कर लोगे अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में, लेकिन ट्रस्ट मी वो आपको आउटपुट उतना अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा, बिकॉज जो एक ऑडियो इंटरफेस है उसमें हेडफोन के लिए भी एक एम्प होता है। एंड अगर हम बात करें पीसी या फिर लैपटॉप की, सो उसमें जो आईसीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर की नहीं होती हैं, काफ़ी कम पावर की होती हैं। तो इन दैट सेंस आपको एक ऑडियो इंटरफेस की भी रिक्वायरमेंट होगी। आपका बजट बन गया है, ऑडियो इंटरफेस आप ले सकते हो, डिपेंड करता है अगेन आपके बजट पे। पर्सनली जो मेरा फेवरेट है बजट सेक्शन में वो है ईवो 4। एंड अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है उस केस में आप कंसिडर कर सकते हो ऑडियंट आईडी 4 मार्क 2। इसमें आपको सिंगल प्रीएम्प मिलता है। अगर आपको दो प्रीएम्प की जरूरत है, आपको दो माइक्रोफोन कनेक्ट करने हैं, उस केस में आप ऑडियंट आईडी 14 मार्क 2 के साथ भी जा सकते हो। ये पर्सनली मेरे फेवरेट है। एंड अगर आपका बजट और भी ज्यादा है ना, उस केस में आप यूज कर सकते हो एंटीलोप का जेन गो। मैं पर्सनली यही ऑडियो इंटरफेस यूज कर रहा हूँ। कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बहुत ही बेसिक अगर आपको चाहिए देन आप ले सकते हो ऑडियो बॉक्स को प्रिसोनस की तरफ से। आप आर्टूरिया मिनी फ्यूज 1 ले सकते हो, फोकस राइट सोलो ले सकते हो। डुअल चैनल चाहिए फोकस राइट 2i2 ले सकते हो, आर्टूरिया मिनी फ्यूज 2 ले सकते हो। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। एंड ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं इनमें से अगर आप कुछ भी लेते हो सो आप रिग्रेट नहीं करोगे अपना डिसीजन। नाउ आपका जो स्टूडियो सेटअप है वो धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आपको रिक्वायरमेंट होगी जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए वो है स्टूडियो मॉनिटर्स। आपको स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका बजट एक साथ है पूरा, मतलब अगर आपका अच्छा बजट है सो आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके अपना स्टूडियो बिल्ड करना चाहते हो तो ये दो चीजें हेडफोन देन उसके बाद आपका ऑडियो इंटरफेस, ये दोनों चीजें आपने ले ली हैं, उसके बाद आपका बजट है सो आता है एक स्टूडियो मॉनिटर का पेयर। आपको स्टूडियो मॉनिटर के पेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको बाय करने चाहिए। नाउ अब आप पूछोगे स्टूडियो मॉनिटर कौन से, सो स्टूडियो मॉनिटर बजट सेक्शन में जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो मैं पर्सनली खुद यूज कर रहा हूं, प्रिसोनस एरएस ई5 एक्सटी। ट्रस्ट मी मैं इन स्टूडियो मॉनिटर्स को काफी ज्यादा यूज करता हूँ। मेरे फेवरेट स्टूडियो मॉनिटर्स की अगर मैं बात करूँ सो वो प्रिसोनस एरएस ई5 एक्सटी ही है। अगर आपका बजट और ज्यादा है देन उस केस में आप इसके जो बड़े साइज वाले स्टूडियो मॉनिटर्स हैं उसकी तरफ जा सकते हो, 7 इंच 8 इंच। लेकिन अगर आपको स्टूडियो मॉनिटर ये नहीं पसंद है देन आप और भी ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ 5 इंच स्टूडियो मॉनिटर्स की, सो यामाहा HS5 ले सकते हो। अगर आपका बजट और भी ज्यादा है देन उस केस में आप जा सकते हो एडम की तरफ। एडम थोड़े से कॉस्टली है लेकिन ट्रस्ट मी अच्छे स्टूडियो मॉनिटर्स हैं। यहाँ पे जब आप साउंड सुनते हो ना, अगर आप ज्यादा देर तक साउंड सुनते हो सो कान में आपको जो आवाज है वो ज्यादा चुभेगी नहीं, बहुत ही सूदिंग साउंड है एडम की। देन इसमें आप कोई भी ले सकते हो, 5 इंच ले सकते हो, T5V, T7V, T8V। पर्सनली जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है एडम T7V। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन मैं आपको देना चाहूंगा, कैली ऑडियो LP6। पर्सनली मैंने इनको रिव्यू करा है, कुछ टाइम मैंने यूज करा है लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टूडियो मॉनिटर्स हो गए थे सो आज मेरे पास वो स्टूडियो मॉनिटर नहीं है, बट ट्रस्ट मी अच्छे स्टूडियो मॉनिटर्स हैं एंड मैं उसको भी रिकमेंड कर सकता हूँ। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर देखें एक बिगिनर म्यूजिक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, सो जो भी आपको म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। आप अच्छा खासा म्यूजिक बना सकते हो। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, बिगिनर म्यूजिक प्रोड्यूसर को इससे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास थोड़े से फंड्स बचते हैं देन आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो एक्सेसरीज में, फॉर एग्जांपल स्टूडियो मॉनिटर के स्टैंड्स। नाउ लेट सपोज आपके पास ये सेटअप ऑलरेडी है एंड अब आप थोड़ा सा लेवल अप करना चाह रहे हो, स्टेप अप करना चाह रहे हो, उस केस में आप यूज कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो मिडी कंट्रोलर्स में। मिडी कंट्रोलर दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो है वो है मिडी कीबोर्ड्स। आप मिडी कीबोर्ड के थ्रू जो वर्चुअल प्लगइन्स हैं उसको प्ले कर सकते हो। सेकंड जो यहाँ पे टाइप आता है वो आता है लॉन्च पैड का। लाइक यहाँ पे आपको ड्रम पैड्स मिल जाएंगे, आप अपने ड्रम्स को प्रोग्राम कर सकते हो। नाउ दिस वॉज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे हमने बात करी है अगर आप सिर्फ म्यूजिक बनाते हो सो आपको इन इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो सिंगिंग में, अपने वोकल्स भी रिकॉर्ड करने हैं, सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी जहां पे आप सिंगर भी हो एंड म्यूजिक अपने खुद के लिए भी प्रोड्यूस करते हो। नाउ यहाँ पे जो आपका सीक्वेंस है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आपको सिंगिंग भी करनी है एंड म्यूजिक को प्रोड्यूस भी करना है, सो फर्स्ट तो आपको हेडफोन चाहिए ही चाहिए, सुनोगे कैसे? सेकेंड आपको इन्वेस्ट करना होगा एक माइक्रोफोन में। लेकिन माइक्रोफोन अगर आप कंडेंसर माइक्रोफोन परचेज कर लेते हो देन उसका कोई भी यूज नहीं होगा बिकॉज वो वर्क ही नहीं करेगा। माइक्रोफोन के साथ आपको चाहिए होगा ऑडियो इंटरफेस। उस केस में फर्स्ट स्टेप आपका हो जाता है हेडफोन्स, सेकंड स्टेप आपका हो जाता है दो चीजों का।
फर्स्ट इज द माइक्रोफोन एंड सेकंड इज द ऑडियो इंटरफेस। आप ये मत सोचना कि पहले मैं ऑडियो इंटरफेस ले लेता हूँ, पहले मैं माइक्रोफोन ले लेता हूँ। आपको दोनों साथ में ही लेना होगा, तभी आपका काम चल पाएगा। लेकिन अगर आपका बजट लिमिटेड है, उस केस में आप बंडल्स की तरफ भी जा सकते हो। बहुत सारे बंडल्स आते हैं, फोकसराइट का, प्रिसोनस का, ईवो का, आप कोई भी बंडल को कंसिडर कर सकते हो। वैसे मैंने यूज करा है ईवो का स्टार्ट रिकॉर्डिंग बंडल, उसको आप चेक कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। माइक्रोफोन कौन सा परचेज करना चाहिए, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, बिकॉज आज के टाइम में एम्पल नंबर ऑफ माइक्रोफोन्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन पर्सनली जो मेरे फेवरेट हैं, लिवेट LCT 440 प्योर एंड रोड NT1A, ये दोनों परफेक्ट माइक्रोफोन्स होते हैं फॉर अ बजट स्टूडियो सेटअप के लिए। लेकिन अगर आपका बजट इतना नहीं है, देन उस केस में आप कंसीडर कर सकते हो AKG के माइक्रोफोन्स। P120 6,000 से 7,000 रुपए में आपको मिल जाता है, काफी नॉमिनल इसकी प्राइस है। अगर आप थोड़ा सा और स्टेप अप करना चाहते हो, सो आप P220 ले सकते हो, 420 ले सकते हो। इसके अलावा ऑडियो टेक्निका AT2020, बट पर्सनली बताऊं, मेरे को AT2020 उतना अच्छा नहीं लगता है। पहले के टाइम में उसकी हाइप थी, आज भी बिक रहा है, बट इसके अलावा बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। वैसे ऑडियो टेक्निका भी करोगे इतना बुरा नहीं है, बट फिर भी पर्सनली अपनी अपनी प्रेफरेंस है। सो इसके अलावा भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स X1A को भी कंसिडर आप कर सकते हो, थोड़ा सा बजट और है। लेविट LCT 240 को भी आप कंसिडर कर सकते हो। सारी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ इस सेटअप में आप अपने वोकल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, म्यूजिक को क्रिएट कर सकते हो, जो म्यूजिक आपने बनाया है उसको सुन सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। अब अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है, तो स्टूडियो मॉनिटर में आप इन्वेस्ट मत करना, आप इन्वेस्ट करना अपने रूम अकूस्टिक्स पे। अपने रूम के जो रिफ्लेक्शंस हैं उसको कम करने पे ध्यान दोगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे, सो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नाउ अब आपने अपने रूम पर भी काम कर लिया है, रिफ्लेक्शंस को काफी ज्यादा कम कर लिया है, अकूस्टिकली ट्रीट कर लिया है, देन अब टाइम आता है स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करने का। हाँ जी, अब आप स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से। कौन से लेने हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, सो दैट इज ऑप्शनल, विच इज मिडी कंट्रोलर्स। मिडी कंट्रोलर के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। मिडी कीबोर्ड की अगर मैं बात करूँ, सो दो कंपनी सबसे बेस्ट यहाँ पे जो आपको परफॉर्मेंस देंगी, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देंगी, वो है आर्टूरिया एंड नोवेशन। पर्सनली मैं दोनों को यूज कर चुका हूँ। दिस इज द नोवेशन, काफी साल पुराना है, लेकिन पर्सनली जो मुझे कीज अच्छी लगी हैं, वो लगी हैं आर्टूरिया की। मिडी कीबोर्ड्स में भी आपको काफी ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी, डिपेंड करता है आपके यूज के ऊपर। 25 कीज मिल जाएगा, 37 कीज आपको मिल जाएगा, 49 कीज मिल जाएगा, 61 कीज मिल जाएगा, 88 कीज का भी मिडी कंट्रोलर अवेलेबल है। अब अगर बात करें, जैसा मैंने ड्रम पैड्स के बारे में बताया था, मिडी कंट्रोलर जो होते हैं जिससे आप अपने ड्रम्स को प्रोग्राम कर सकते हो, तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लेकिन पर्सनली मैं कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ। जो मिडी पे ही ड्रम पैड होते हैं मैं उसका यूज़ करता हूँ, मैं लॉन्च पैड यूज़ नहीं करता हूँ। 8 ड्रम पैड्स मिल जाते हैं मिडी कीबोर्ड पे ही, इससे ज़्यादा अगर आपका यूज़ है सो आप अलग से लॉन्च पैड को ले सकते हो। मैं पर्सनली जो मिडी कंट्रोलर यूज़ करता हूँ, मिडी कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, वो है आर्टूरिया कीलैब एसेंशियल 61 कीज़ वाला। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हो चुका है हमारा स्टूडियो सेटअप कंप्लीट। क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी म्यूजिक को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे आप एक सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर हो या फिर आप एक वोकलिस्ट और साथ में म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, हर चीज यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधा जंप करने वाले हैं FL स्टूडियो में। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी हमें कुछ चीज परचेज करनी होती है, हम हमेशा चाहते हैं कि कम से कम प्राइस हमें पे करनी पड़े। एंड बहुत बार ऐसा होता है Amazon पे प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केट। लेकिन आपको पता होगा, काफ़ी सारी चीज़ें मैं Amazon से परचेज करता हूँ, अपना लैपटॉप, अपना कैमरा, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें भी मैंने Amazon से परचेज करी हैं। ट्रिक सिर्फ ये होती है, आपको वेट करना होता है सेल का। जिस टाइम आपको मिल रही है सेल, अच्छे खासे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, एंड इवन इन ऑफलाइन मार्केट पे भी आपको उतने कम प्राइस पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो Amazon की आने वाली है सेल 23rd of September से। अगर आप कोई भी चीज परचेज करना चाहते हो, देन अभी के अभी उसको कार्ट में ऐड कर लो, बिकॉज डील पे आपको फायदा होना ही चाहिए। इसके अलावा भी SBI के कार्ड पे काफी सारे डिस्काउंट्स हैं। वैसे पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ, मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, लेकिन आई नो बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो डिस्काउंट्स हैं वो SBI के डेबिट कार्ड पर भी हैं।
एक तो आपको डील मिलेगी जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट होगा, उसके बाद आपको इंस्टेंट कैशबैक भी मिल सकता है SBI के डेबिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। सो मेक श्योर कि ये जो सेल है इसको आप अपने हाथ से जाने ना दो। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेल आ रही है तो आलतू फालतू का आप सामान खरीद लो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आपने कुछ प्लान करे थे, देन डेफिनेटली इस सेल में फायदा उठाना चाहिए। आई होप इस लेक्चर से आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी, अंदर की बातें भी कुछ मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होंगी। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।